नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। धनबाद, रांची, जमशेदपुर होगी वोटिंग, क्या है जनता की राय? कल यानी 25 मई शनिवार सुबह 7 बजे से 5 बजे तक होगी वोटिंग, क्या है जनता के मन में, क्या है जनता की राय, आप देख सकते हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में। बहुत सा कम से कम एक लाइन बता दीजिए, किसका पल्ला भारी होगा? पल्ला तो यहाँ दो ही प्रत्याशी है जो भारी है, एक कमल फूल और दूसरा तीर धनुष, इस बीच में तीसरा को नजर नहीं आता, उसके बारे में हम नहीं बोल, यही दोनों में कंपटीशन है बस। अब इसमें जिसका जो विजय पाल है, जो जिसका तकदीर चमक बस अपने को खाना है, कमाना है, अपने को कमाना है, खाना है। अभी जो किसका देन है, ये हमारी दुकान जो है किसकी देन है? मोदी का देन है ना, जो आज हम कमा खा रहे हैं, और ज़्यादा क्या बोलेंगे हम? हम तो यार हमारे बगल में खड़े हैं वो प्याला घड़ा सीनरी सामान बेचते हैं और इनका बिक्री का भी होलसेल भी है, खुदरा भी है। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि कल की डेट में सुबह 7 बजे से के 5 बजे तक जो मतदान है वो किनका होना चाहिए था? सर हमको नरेंद्र मोदी का देन मिला है, हमको अभी जनधन खाता मिला है, हमको अभी धंधा करने का पैसा मिला है, इसीलिए तो हम तो जिसका नमक खाते हैं उसी का शरीयत वोट देंगे। तो हम कहने मतलब ये कि एक प्रकाश चौधरी निर्दलीय प्रत्याशी कोई भी रहे, हमको इसे हमको हम सिर्फ जानते हैं नरेंद्र मोदी को। एकदम श्योर 100% बनेंगे, पूरे 3600 वार्ड में देखिएगा चंद्रप्रकाश चौधरी जी को ही भारी मतों से विजय बनाएंगे हम लोग। सर मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, क्या कुछ तो बोलिए, किनको वोट देंगे, किनको? वो यहाँ पे ग्रिड में चंद्रप्रकाश चौधरी का ही पे यहाँ पे हवा है और वही भी लीड कर रहे हैं भारी मतों से। कांटे की टक्कर नहीं है, एक तरफा जीत रहे हैं चंद्रप्रकाश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ अजय चौक। कल यहाँ पे सुबह जो है 7 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान होना है और यहाँ पे 3 प्रत्याशी हैं। सबसे पहले है जयप्रकाश, दूसरी बात है मोथरा महतो, एक निर्दलीय प्रत्याशी है मोथरा महतो, और यहाँ पे हमारे जनता भाई भी हैं। और मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि ये आपको क्या लग रही है कि कल के बारे में किनको वोट होना चाहिए? अरे हम किसको बताएं यार, सब तो अपने ही हैं। आप किनको समर्थन दे रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, दम बिल्कुल बनेंगे यार अपनी। कहने मतलब ये कि 400 पार के बारे में जो कहा जा रहा है, केला छाप निकल रहे हैं, केला छाप निकल रहे हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम कुमार गोंड। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कल यहाँ पे जो चुनाव है चंद्रप्रकाश चौधरी और इसके साथ साथ मोथरा महतो और निर्दलीय प्रत्याशी है हमारे मोथरा जयराम महतो, तो क्या बता सकते हैं कि कल के माहौल में किनको वोट पड़ना चाहिए ज़्यादा, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं? हमको तो लग रहा है टाइगर निकलेगा अभी। टाइगर मतलब नाम क्या है? जयराम महतो। जयराम जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप अब देखिए किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे लड़ाई चल रही है और ये यहाँ की जनता क्या बोल रही है और ये वोट बहुत सा ऐसी होना चाहिए क्या है नहीं है? मैं आपको इनसे बात करा रहा हूँ, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि कल के माहौल में सुबह 7 बजे से 5 बजे तक का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें किनको वोट आना चाहिए, किनको समर्थन देना चाहिए? देखिए मकसद तो सबसे पहला विकास का है, और जो हम लोग का पहला जो सांसद रहा इससे पीछे अभी जिनका चल रहा था वो तो विलुप्त में गिनती आते हैं, नज़र तो आते नहीं थे। तब जो नया प्रत्याशी सबको दिख रहा है जयराम महतो नाम है उसका, सिलेंडर शॉप 12 नंबर। अब जहाँ तक लग रहा है कि यूथ का सबसे ज़्यादा सपोर्ट उसी को जा रहा है, अब जिसके साथ यूथ है कहीं ना कहीं टक्कर तो जरूर देगा, अब थोड़ा सा तो कुर्सी जरूर हिलेगा इस बार, अब जीतेगा कौन वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ। तो इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जगत जयराम महतो जी
जो सांसद में आए हैं इससे पहले अगर वो विधायक में आते तो लोगों ने कहता था कि हम निश्चिंत है कि वो जीत जाएंगे, लेकिन ये सांसद की चुनाव है और सांसद में क्या लगता है आपको कि सांसद बन पाएंगे क्या? टफ तो है, मुकाबला बहुत टफ है। अब आप बोल रहे जैसे कि विधानसभा में उनको थोड़ा सा चांस लेने का जरूरत था, लेकिन जैसा अभी गिरिडीह का पिछला जो काम देखा गया है तो सबसे ज़्यादा इंसान को दिख रहा है कि यहाँ पे MLA से आसान है आपका सांसद बनना। जो ये गिरिडीह का जो क्षेत्र है यहाँ MLA बनना बहुत टफ है, सांसद बनना बहुत ईजी हो गया, क्योंकि हमारा जो पिछला सांसद था उसका कोई काम अभी तक किसी को दिखा नहीं है, इसके चलते वो इतना बड़ा रिस्क खेले। और कहीं ना कहीं अब जो हो अब देखिए आगे क्या होता है। तो आप आ जाइए हमारे, अब आ जाइए हमारे बगल में जो खड़े हैं, हम इनसे भी जानना चाहते हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ JMM, तीसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो, एक भाई तो बोल के गए जयराम महतो जी को जितना बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ कि क्या इनके राय क्या है। हमारा राय यही है कि आज राम मंदिर, राम जैसे राम है, अगर नहीं रहते मोदी तो राम मंदिर नहीं बनते, ठीक है? अरे राम मंदिर का बात, राम मंदिर बनाए हैं, राम मंदिर तो में आज ये वैक्सीन, आज ये जो वैक्सीन, लेकिन क्या ये नेता गिरिडीह जिला में क्या हुआ? JMM हो या कोई भी हो, कौन दिए? मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी हैं। इतना सारी जनता को जो अकाल जब पड़े हैं तो घर घर राशन पहुँचाने का काम कौन किए? मोदी जी। चंद्र प्रकाश चौधरी जी क्या किए बताइए यहाँ पे। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, चौधरी का लिस्ट पढ़ी है, बताइए क्या काम गिनाएंगे? वो जो निकला वो लिस्ट पढ़िए आप लोग, तो लगन नहीं है पूरा गिरिडीह विधानसभा में। आप घर चला सकते हैं, एक बेटा, छह बेटा एक घर पर चला सकता है, वो ये छह लोकसभा है, कहाँ कहाँ नहीं आएंगे? एक वार्ड पार्षद ये वार्ड पर देख सकते हैं, नहीं संभाल पा रहे, इसलिए तो टाइगर जयराम महतो इस बार यहाँ से बन रहे हैं। वो भी नहीं दे सकते, वो भी नहीं। इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जिस तरह से हमारे राम भगवान टेंट में था उनको अपना घर लाए हैं, उसके बारे में किसका बोले? जैसे कि अभी ये भाई ने बताया कि टेंट में रहने वाले हमारे राम जी को जो है अपना अयोध्या मंदिर दिलवाए और वो अपने जगह पर आ गए, उसके बारे में क्या बोलना है? मोदी जी तो मोदी है, उसके बारे में क्या बोले? मोदी तो मोदी है, बाकी सब पगला चौधरी है। लेकिन मोदी बोले है कि हम सांसद है, हम वो नहीं है, पूछाइए चंद्र प्रकाश चौधरी को नहीं है, वो मोदी को बोले कि मोदी हम सांसद है, हम मोदी को देखते बोल रहे हैं, मोदी को देखते बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 400 पार पूरा सीधी पार हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। गिरिडीह का जो क्षेत्र है वो आप जयराम महतो जी, तीन दिन मनाएंगे मोदी जी, बात खत्म कर। मैंने कहने मतलब है कि आपका सपोर्ट जयराम महतो है, राम मंदिर सार्वजनिक है, उसके लिए BJP बहुत कुछ किया, उसके लिए सबका समर्थन। तो ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, काम पहले भी हुआ था, लेकिन सबसे आधारशील रखने का काम BJP का, उसका सबका समर्थन करता है। लेकिन यहाँ पर बात विकास का, वहाँ राम मंदिर बना अयोध्या में, ठीक है, अभी यहाँ पे भी कुछ विकास होना जरूरी है। अब आ जाइए हमारे बगल में खड़े हैं जो हमारे वेल्डिंग मिस्त्री हैं, बहुत नामी मिस्त्री हैं, और मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ कि सर आप क्या कहते हैं। बस कहना चाहेंगे कि 400 पार, 400 पार मोदी जी एकदम सियोर बनेंगे। चाचा जी हम आप, ये हमारे बगल में है ड्राई क्लीनर, मैं भी कौन ही बोलूं, मोहम्मद इस्लाम जी, और मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ कि इनके मन में क्या है और क्यों किसको जिताना चाहिए, क्या बोलते हैं, थोड़ा मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ। सर आप किनको सपोर्ट होना चाहिए, किनको जीतना चाहिए, उसके बारे में क्या निर्णय है आप? मैं जाऊँगा फूल छाप ने वोट, फूल छाप ने, फूल छाप मतलब बहुत सा फूल होता है, फूल का फूल, केला में कोई झमेला नहीं, केला खाओ और क्या फूल सूंघो, उसी का राज है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए News 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।